हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और मैं हूं आपकी अपनी अनीता कौशिक। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं कुछ न्यू। न्यू क्या है कि भाई हम सब लोग पतले होने के पीछे लगे हुए हैं, तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि हम अपने इसी रूप में हम पतले कैसे लग सकते हैं, हम अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग कैसे पतले लग सकते हैं। क्यों आजकल हर सभी के पीछे पतला होने का फितूर चढ़ा हुआ है, तो आज मैं आपको बताऊंगी हम इसी ये जो हमारी कंडीशन है फिलहाल उसमें भी हम कैसे मोटे पतले लग सकते हैं। आज आपको मैं बताती हूँ। जैसे आज मैंने ये सूट डाला है, अभी इसमें मैं आपको बिल्कुल पतली लगूंगी। देखो, एक आप मुझे इस सूट में देख सकते हो, और मैं आपको है ना आज अपनी एक दो ड्रेस में दिखाऊंगी जिसमें हम किसी में मोटे लगते हैं किसी में पतले। और जो भी भाई मोटे लोग हैं उनसे सब बोलते हैं कि भाई आप लूज सूट डालो, जो भी कुछ डालो भाई लूज ड्रेसेस डालो। हमें लूज ड्रेस नहीं डालने चाहिए। लूज ड्रेस डालने से हम कुछ तो पहले ही मोटे होते हैं और उसके बाद और भी लगने लग जाते हैं। तो भाई जो मोटे आदमी हैं उन्हें भी फिटिंग के पहनने चाहिए। इतनी भी फिटिंग नहीं हो भाई, कुछ ज़्यादा ही, लेकिन उन्हें हल्की हल्की फिटिंग की ड्रेस ही डालनी चाहिए। जैसे मैं इसमें फिट हूँ, और अभी मैं आपको अपनी दूसरी ड्रेस दिखाऊंगी उसमें मैं एकदम मोटी लगूंगी। तो ये ड्रेस के अकॉर्डिंग होता है, हम लूज ड्रेस डालेंगे तो हम मोटे लगेंगे और फिटिंग की ड्रेस डालेंगे तो हम पतले लगेंगे। ओके, ये देखो फ्रेंड्स, ये सूट मेरा लूज है तो इसमें मैं थोड़ी मोटी लग रही हूँ। तो हमें है ना टेंशन नहीं लेनी चाहिए और अपनी अकॉर्डिंग ही ड्रेस डालनी चाहिए। फिटिंग के डालेंगे तो उसमें हम फिट लगेंगे, और लूज होगा तो हम उसमें मोटे लगेंगे। और हम ड्रेस के अकॉर्डिंग एक सेकंडों के हिसाब से मोटे पतले लग सकते हैं। तो हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, इसमें कैसी लगूंगी वैसी लगूंगी, जैसे